बिहार में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का फिर शुरू हुआ विरोध। बाबा बागेश्वर धाम को नहीं बचा पाई बिहार सरकार की तारीफ। इस बार धीरेन्द्र शास्त्री पर तीन बड़े नेताओं ने बोला है हमला। बाबा के सवाल पर भड़क गए नीतीश कुमार, दे दी कड़ी नसीहत। लालू यादव ने अपने ही अंदाज में धीरेन्द्र शास्त्री को दिखाया आईना। तेज प्रताप यादव ने फिर से खोल दिया है बाबा के खिलाफ मोर्चा। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध और समर्थन की राजनीति अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। पहले धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने से पहले आरजेडी और बिहार सरकार के मंत्रियों ने जमकर विरोध किया, लेकिन पटना आने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध एकदम से थम गया और जवाब में बीजेपी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आक्रामक हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर बीजेपी के दिग्गज नेता नजर आने लगे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे और बीच बीच में बिहार सरकार की तारीफ भी करते नजर आए। लेकिन अब लगता है सत्ता पक्ष को धीरेन्द्र शास्त्री और उनकी तारीफ कुछ खास पसंद नहीं आई, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री का फिर से विरोध शुरू हो गया और इस बार एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तरफ से ट्रिपल अटैक किया गया है। किस किस ने धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला बताएंगे आपको पूरी खबर, बस आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। दरअसल हुआ ये कि आरजेडी और बिहार सरकार के मंत्रियों ने शुरू में धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया था, लेकिन फिर एकदम से शांत हो गए और इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने धार्मिक की जगह सियासी रुख ले लिया और हिंदू राष्ट्र की मांग कर डाली, जिसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से अब गियर बदला गया है और धीरेन्द्र शास्त्री पर ट्रिपल अटैक किया गया। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने प्रवचन के दौरान हाल में बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से बिहार के प्रशासन की तारीफ की थी। बागेश्वर धाम सरकार ने पर्ची निकालते वक्त कहा था, इतनी भीषण गर्मी में मैं बिहार सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की तारीफ करना चाहूंगा। प्रशासन की व्यवस्था बहुत चुस्त रही, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस वालों ने अपने कर्तव्य को अच्छे तरीके से अंजाम दिया है। बिहार में मुझे अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिली, बिहार का प्रशासन बहुत अच्छा है। लेकिन लगता है बाबा बागेश्वर की ये तारीफ बिहार सरकार को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री पहले हिंदू राष्ट्र की मांग कर चुके हैं, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा पर तल्ख टिप्पणी की। बाबा पर किया सवाल तो उखड़ गए नीतीश कुमार। दरअसल हुआ ये कि बागेश्वर धाम सरकार को लेकर जब नीतीश कुमार से मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने हिंदू राष्ट्र के सवाल पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री को इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए, यह संविधान के उल्लंघन की बात हो रही है। आजादी की लड़ाई में कौन लड़े थे, संविधान के माध्यम से जो नामकरण हुआ उसे स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रपिता को हम लोग मानते और उन्हीं की बातों को आधार बनाकर काम कर रहे हैं। जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्या वो आजादी के पहले पैदा भी हुए थे? उनके पिता आजादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय थे, बचपन में ही उन्होंने आजादी के बारे में हमें एक एक चीज बताई थी। सीएम नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को नसीहत देते हुए कहा, आप किसी भी धर्म को मानिए, उसमें कोई रुकावट है क्या? पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है, ये कभी संभव है क्या? कोई ऐसा कर सकता है क्या? राम कृष्ण करिए ना भाई, भारत में तो सात धर्म हैं। बिहार में सभी के हित में काम होता है, किसी भी धर्म के लोगों को कोई असुविधा नहीं, यहाँ सभी की इज्जत होती है। धीरेन्द्र शास्त्री नीतीश कुमार के हमले से संभल पाते उससे पहले ही लालू यादव ने हमला कर दिया, लेकिन लालू यादव ने तंज भरे अंदाज में हमला किया, जिसमें अब उनसे बाबा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जाहिर किया कि वो बाबा को जानते ही नहीं। इन सब के बाद तीसरा अटैक बागेश्वर बाबा पर तेज प्रताप ने किया, जो पहले ही बाबा का खुलकर विरोध कर चुके हैं। तेज प्रताप यादव से जब बाबा के बारे में पूछा गया तो तेज प्रताप यादव ने कहा, हम किसी बाबा आबा टावा को नहीं जानते, हम केवल देवराहा बाबा को जानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ है। बागेश्वर बाबा ने बिहारियों का अपमान किया है और उन्हें पागल कहा, इनको बिहार कभी माफ नहीं करेगा। वैसे तेज प्रताप यादव पहले शख्स थे जो धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में खुलकर सामने आए। तेज प्रताप यादव ने लड़कों को ट्रेनिंग भी देनी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर अचानक से चुप हो गए और अब फिर से बागेश्वर बाबा पर हमलावर हैं। बता दी कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का यह कार्यक्रम 17 मई तक चलेगा। आरजेडी जहां शास्त्री के पटना दौरे को लेकर शुरू से विरोध में खड़ी है, वहीं भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हनुमत कथा में शामिल हो चुके हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार में अब बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली है और महागठबंधन अपने तरह की राजनीति करेगी। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। राजनीति से जुड़ी दूसरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।